और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द जेईई मेन 2022 एक्सपेक्टेड मार्क्स परसेंटाइल फॉर अ डिफिकल्ट शिफ्ट। हम पिछले वीडियो में एक इजी शिफ्ट के बारे में बात कर चुके हैं कि आपको एक इजी शिफ्ट में टेक्निकली ज्यादा स्कोर करना पड़ता है एक डिफिकल्ट शिफ्ट के कंपैरेटिव में, और तब जाके आपकी परसेंटाइल ऑलमोस्ट इक्वल बनती है उस डिफिकल्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले कि आपको अगर एक डिफिकल्ट शिफ्ट मिलता है, मैंने जेईई मेन 2021 के फेब्रुअरी सेशन से दो ऐसे शिफ्ट निकाले भी है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि यार कितना डिफरेंस था हमारे डिफिकल्ट और एक इजी शिफ्ट में, और आपको कितना स्कोर करने की जरूरत है एक डिफिकल्ट शिफ्ट में ताकि आपको एक नो सेट बेंचमार्क परसेंटेज आपको मिल सके। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले टफेस्ट शिफ्ट्स के बारे में। जेईई मेन 2021 फरवरी सेशन में द टफेस्ट शिफ्ट्स वर 26 फरवरी इवनिंग एंड 25 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट। ये दोनों आपके सबसे टफेस्ट शिफ्ट थे, और इनको लेके आज इनके जो एवरेज स्कोर्स थे उनके बेसिस में हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखने वाले हैं कि अगर एक टफ शिफ्ट आता है तो कितने मार्क्स पे आपके कितनी परसेंटाइल बनने के चांसेस बनते हैं। ओके, सो एक देख लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर अ टफ जेईई मेन सेशन और शिफ्ट। 99.9 यू आर गेटिंग एट 246। हमने देखा था जो इजी सेशन था उसमें यू आर गेटिंग इट एट अप्रॉक्सिमेटली 267, यानी कि 20 नंबर कम में भी आपका यहाँ पे 99.9, यानी कि इफेक्टिवली 900 ऑल इंडिया रैंक आपको मिल जा रही है। 99.8 के लिए 227, सीधा सीधा देखो यहाँ पे 19 नंबर का गैप आ चुका है। 99.7 218 में, 99.6 210 पे। हमने 99 परसेंटाइल वहां देखा था अप्रॉक्सीमेटली, वो 217 में था। अगर आप 217 ऑलमोस्ट इसमें स्कोर कर दे रहे हो, आपकी परसेंटाइल 99.7 है, 99 नहीं। ठीक है, 99.5 एट 205 मार्क्स, 99.4 एट 199, 99.3 एट 192, 99.2 एट 187, 99.1 एट 183 एंड 99 एट 178। ठीक है, 99 का अपन एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि एक टफ सेशन और इजी सेशन में क्या है। टफ सेशन में यू आर गेटिंग इट एट 178, इजी सेशन में यू आर गेटिंग इट एट 217। अप्रॉक्सीमेटली 40 नंबर का गैप है। हमने यहाँ पे 20 नंबर का गैप चालू किया था, ये टेक्निकली उस तरफ 267 था और यहाँ पे ये 217 था। ठीक है, तो यहाँ पे 40 नंबर का गैप है और यहाँ पे आपका 20 नंबर का गैप है, यानी कि जो बंदा एक टफ सेशन में 99 स्कोर करने की कोशिश कर रहा है वो खुश होगा डिफिकल्ट शिफ्ट में कि यार चलो 10 क्वेश्चन मुझे कम बनाने हैं एक इजी शिफ्ट वाले बंदे से। अब कितना ही पेपर डिफिकल्ट रहेगा, आपको ये स्कोर करने के लिए 45 क्वेश्चन अप्रोक्स करने पड़ेंगे और वहां पे आपको 55 करने पड़ेंगे। इस बात को आप समझ सकते हो कि ढंग की अगर आप पेपर स्ट्रैटेजी बनाओगे तो जो बंदा ढंग से स्ट्रैटेजी बना के गया उसके लिए ज्यादा फेवरेबल क्या होगा कि उसको टफ शिफ्ट मिले, उसको कम स्कोर करना पड़ेगा, उसको 10 क्वेश्चन टेक्निकली कम स्कोर करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु हैज बीन प्लेस्ड इन अ रैदर इजी सेशन। इसीलिए आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि टॉप में 99.9 पे अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर का गैप है, whereas the bottom of the list that is in the 99 percentile zone, the approximate marks of the toughest and easiest shifts are 40 marks apart. तो 99 वाले बंदे को जो एम करा 99.9 उसको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हमारी टॉप नॉच चलनी चाहिए, वरना हम एकदम समुद्र के साथ बह जाने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन 98 से लेकर 90 परसेंटाइल तक आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। 98 के लिए 153, 97 के लिए 137, 96 के लिए ऑलमोस्ट 128, 95 के लिए 114, 94 के लिए 106, 93 के लिए 99, 92 के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ रहा है 93, 91 के लिए 87 और 90 के लिए 83 मार्क्स ओनली। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है बेसिकली वो 98 से 90 तक थोड़ा बहुत कम हुआ व्हेन वी आर कंपेयरिंग अ टफ शिफ्ट फ्रॉम अ रादर इजी शिफ्ट। लेकिन 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 जो बंदे 99 से लेकर 98 के बीच में थे वो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हर बार यही होता है कि यही लोग फंसते हैं जो 98 से 99 के बीच वाले लोग हैं। इसीलिए जो ये वाले लोग हैं उनको पेपर अटेम्प्ट बहुत ढंग से करना है, और रादर आप यहाँ पे देखोगे ना मार्क्स उतना डिफिकल्ट नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे प्रेपरेशन भी कम हो रही है, तो आप परसीव भी नहीं कर पाते हो कि यार पेपर टफ आएगी इजी है, क्योंकि हमारे पास उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है जेईई मेंस का। आप में से ऑलमोस्ट 70-80% लोग अपना पहला जेईई मेन दे रहे हो इस बार, बाकी आपके ड्रॉपर्स होंगे। तो जो
मतलब इस बार पहली बार चेयरमैन दे रहे आपको बस एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए आई एम टेलिंग यू PYQs पे ज्यादा फोकस करो और तब जाके ही आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे आपने जितनी भी मेहनत किया उस पे भी। लोग ये नहीं समझते कि अगर आप 60-70% कोर्स भी अगर ढंग से करके जा रहे हो जेईई मेन के लेवल तक, आप तब भी 98.5-98% लाने का सोच सकते हो। बट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो दैट शुड बी टॉप नॉच लेवल। अगर मैं दो कंपैरिजन ले लूं, पहले में एक बंदे ने पूरा कोर्स किया है बट पूरा सिर्फ और सिर्फ उसने NCERT लेवल तक का किया है, CBSE लेवल तक का किया है, उसके नंबर जेईई मेन में 100 पार भी नहीं होने वाले। अगर वो सिर्फ और सिर्फ CBSE लेवल तक का करेगा वो केमिस्ट्री में ला देगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स में वो नहीं ला पाएगा। बट अगर आपने 70-80% कोर्स भी किया लेकिन जेईई मेंस के लेवल तक किया, थोड़ी बहुत JEE Advanced तक की मेहनत भी कर ली है, मैं गारंटी देकर बोल रहा हूँ आपके 150 नंबर आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। टेक्निकली आपका पेपर 360 का है लेकिन आपको अटेम्प्ट 300 करना है, तो आपको जो ऑप्शन भी मिलता है टेक्निकली आपके जो परसेंटेज मार्क्स है वो ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज एडवाइस आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जितना कोर्स कर रहे हो ढंग से करो, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो, जेईई मेन के लेवल के PYQ सॉल्व करो, ठीक है। 98% बैरियर में ऑलमोस्ट 42 मार्क्स का डिफरेंस था, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे जो 98% एक इजी शिफ्ट में आ रही थी वो 195 पे आ रही थी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 153 में आपको मिल जा रही है, ओके। और लोअर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपैरिजन यानी कि 90% में नैरोड डाउन टू ऑलमोस्ट 25, मतलब रफली 108 के आसपास आपकी 90% आई थी। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करो, स्ट्रैटेजी सॉल्व करो, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन दोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि पेपर डिफिकल्ट है या इजी है। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कभी कभी ऐसा भी होता आपको लग रहा है डिफिकल्ट है बट असलियत में वो डिफिकल्ट नहीं है। तो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हमेशा एक सेट बेंचमार्क तक करना। अगली वीडियो एक एवरेज शिफ्ट के बारे में रहने वाली, एवरेज शिफ्ट को लेके यार बहुत ज्यादा फरोन मचता है कि यार कैसे अटेम्प्ट करे। आई सजेस्ट हर पेपर एवरेज स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही करो, अगर थोड़ा सा इजी लगे तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर देना, 20 नंबर है, 5 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना है बस, ठीक है। तो इसीलिए अगली वीडियो भी देखना मत भूलना, ये था एक डिफिकल्ट सेशन के बारे में। आपको कोई भी डाउट्स है ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो या यूट्यूब में तो आई चुकी हो, तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। सो दिस इट फ्रॉम माई एंड गाइस, समय आ गया आप सब से अलविदा लेने का, अलविदा।